हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हम स्टेबिलिटी डिस्कशन किए थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मेरा एक सिस्टम का जो स्टेबिलिटी अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या हम डिटरमाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का वहां पे हम लोग लूप सॉरी पोल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। पोल का अगर एस प्लेन का जो लोकेशन था उसी लोकेशन को देख के मैं एक सिस्टम का स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। तो वहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कशन किए थे। सपोज करो एक एस प्लेन में मेरा पोल जो है सारा का सारा पोल अगर मेरा लेफ्ट हाफ में रह रहा है तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा, अगर राइट हाफ में रहेगा तो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर मेरा इमेजिनरी एक्सिस में आएगा तो क्या होगा, मेरा मार्जिनल स्टेबल होगा। ओके, अगर रिपीटेड पोल हो जाएगा तो यह अनस्टेबल सिस्टम होगा। अगर मेरा ओरिजिन पे रह रहा है तो इट इज स्टेबल सिस्टम बट ऑसिलेटरी इन नेचर। अगर रिपीटेड पोल मेरा इमेजिनरी सॉरी रिपीटेड पोल मेरा ओरिजिन पे आएगा तो अनस्टेबल सिस्टम होगा। ये सारा का सारा हम लोग पोल का जो लोकेशन था वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो एक क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा स्टेबिलिटी के ऊपर। तो आप बोलोगे सर अगर एक क्लोज लूप सिस्टम मेरे को गिवन होगा तो मैं उसका अगर पोल निकाल सकता हूँ तो पोल को देख के मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो चलिए तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है, लेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज TS इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। ओके, तो ये सिस्टम आपको गिवन है क्लोज लूप सिस्टम, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। तो इस क्लोज लूप सिस्टम का अगर स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे टेक 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट है मेरा, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को मैं ले रहा हूँ स्टेबिलिटी स्टडी के लिए। तो ये क्या है, इट विल गिव्स, तो यहाँ पे बोलेंगे इट विल गिव्स द लोकेशन ऑफ पोल, लोकेशन ऑफ पोल। तो जो मेरा न्यूमरेटर पार्ट है सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो अगर उसी को मैं कंसीडर करूंगा तो वो क्या करेगा मेरे को पोल का लोकेशन दिखाएगा, सो दैट आई विल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पे बोलेंगे सो 1 प्लस जी ऑफ एस एस, सो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, दिस इक्वेशन, तो अगर ये हो गया क्या, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, तो यहां पर देखिए तो यहां पर 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी मेरे को डिटरमाइन करना है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके ही उसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकता हूँ। क्लियर हुआ बात सर? तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए तो सपोज करो मेरे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है और मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है या थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा तो आप इजीली इसका पोल निकाल सकते हो और क्या है, और इसका स्टेबिलिटी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर आ जाएगा, हायर ऑर्डर सिस्टम आएगा, तो आप कैसे सिस्टम का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सपोज करो तो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होना चाहिए। अगर एक सिस्टम का स्टेबिलिटी मैं डिटरमाइन करूंगा तो मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो लेट, मैं यहां पे बोलूंगा लेट
द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन characteristic equation will be okay will be a0 s to the power 4 plus a1 s to the power 3 plus a2 s to the square plus a0 a1 a2 a3 a3 and a4 is equal to 0. तो ये एक characteristic equation है, okay? तब बोल सकते हो सर, this characteristic equation, I will show this characteristic equation and I will determine the order of the system, that is my fourth order system, क्योंकि s का highest power क्या है? Fourth order है, so this is a fourth order system. तो यहाँ पे अगर इसका characteristic equation मेरे को given है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं अगर सिस्टम का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करूं, तो कैसे हम सिस्टम का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, तो क्या स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए हम तीन पॉइंट यहां पर डिस्कशन करेंगे. तो पहला पॉइंट है, दैट इज नंबर वन पॉइंट क्या बोला है, इफ one of the coefficient of s will be negative. Okay, so this is the point number one. तो यहाँ पे बोला है, तो suppose करो आपको एक characteristic equation given है, और इस characteristic equation में जो भी आपका s का coefficient given होगा, तो one of the coefficient of s is negative. सपोज करो मेरे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव, सपोज दिस इज माय माइनस ए टू एस एस स्क्वायर है. ठीक है, चलिए, तो अगर एक टर्म मेरा, एक कोएफिशिएंट मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देन द सिस्टम इज अनस्टेबल. ओके, अनस्टेबल सिस्टम. तो ये क्या है? ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम है. दिस इज द अनस्टेबल सिस्टम. याद आया? ठीक है. सो इट इज, मैं बोलूंगा इट इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर determine the stability. Okay, so this is point number one. क्या बोला? अगर सपोज करो एक आपको एक characteristic equation given है, उस characteristic equation में एक s का coefficient आपका negative आएगा, तो आप आग बंद करके बोल सकते हो कि सर this is a unstable system. एंड अगर ये जो कंडीशन है, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम. क्लियर हुआ बात? सेकेंड पॉइंट आते हैं. तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? नंबर टू इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ s is positive, okay, if all the coefficient of s is positive, then the system may or may not be stable. okay, अगर सारा कुछ मेरा कोफिशियंट जो s था, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा ये हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी गिवन है आपका, तो यहाँ पे देखिए सब जो s का जो भी कोफिशियंट है, सबका मेरा पॉजिटिव साइन है, कोई भी नेगेटिव साइन मेरा नहीं आ रहा है. अगर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ऑल द कोफिशियंट ऑफ s इज पॉजिटिव, देन द सिस्टम मे और
मे नॉट बी ए स्टेबल सिस्टम, याद आया? ठीक है, तो इट इज नेसेसरी, तो यहाँ ये क्या है, यहाँ पे इट इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन टू डिटरमाइन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। ओके, चलिए, तो ये क्या है, इट इज द नेसेसरी कंडीशन, आप बोल सकते हो सर दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशियंट कंडीशन टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? सो दोनों का दोनों चीज, अगर नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल सिस्टम होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मे बी स्टेबल मे नॉट बी स्टेबल, डिपेंड्स अपॉन द पोल लोकेशन। इट इज द नेसेसरी बट, याद रखिए, इट इज द नेसेसरी बट नॉट द सफिशियंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ओके, देन नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या बोल रहा है, इफ इफ देयर आर एनी मिसिंग टर्म, एनी मिसिंग टर्म इन द कोफिशिएंट ऑफ एस, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एस, देन द सिस्टम इज, सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है तो यहाँ पे कुछ मिसिंग टर्म एस का है, तो क्या है, दिस इज द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, सपोज कर आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू ए जीरो एस एस क्यू प्लस ए वन एस एस स्क्वायर प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो अगर इस तरह का इक्वेशन आपको गिवन होगा तो आप बोल सकते हो दिस इज द सिस्टम इज माई मार्जिनल स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है दैट इज एस ए टू, सॉरी ए टू एस टू द पावर वन, दिस टर्म इज मिसिंग, तो आप बोल सकते हो दिस इज द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन मेरा निकला है, तो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन निकला है कि अगर एक क्लोज लूप सिस्टम है आपका, तो एक क्लोज लूप सिस्टम में अगर आप स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करोगे तो आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हो तो आपका यहाँ पे तीन कंडीशन आ जाता है। तो क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, इफ अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक भी एस का कोफिशियंट आपका नेगेटिव आएगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओके, अगर सारा का सारा मेरा एस का टर्म कोफिशियंट मेरा पॉजिटिव है, मे बी स्टेबल मे नॉट बी स्टेबल, अगर यहाँ पे आपका मिसिंग टर्म है तो मार्जिनली स्टेबल। ओके, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। चलिए, यहाँ पे जो तीनों का तीनों जो पॉइंट अभी डिस्कशन किए हैं, उस तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज करो मेरा एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर वन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज एस टू द पावर फाइव प्लस, ओके, नाइन एस टू द पावर फोर, नाइन एस टू द पावर फोर माइनस फोर एस एस क्यू, ओके, प्लस थ्री एस एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो ये है आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या, कौन सा जो तीनों का तीनों पॉइंट अभी डिस्कशन किए हैं, तो तीनों का तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट यहाँ पे फिट बैठता है, पहला पॉइंट देखिए,
तो यहाँ पे एक टर्म मेरा यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, दिस टर्म इज नेगेटिव, ओके दिस टर्म इज नेगेटिव। अगर यहाँ पे एक एस का कोफिशियंट मेरा नेगेटिव आ जाएगा तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द सिस्टम इज अनस्टेबल, तो ये द सिस्टम इज, मैं पे बोल सकता हूँ क्या, द सिस्टम इज, सिस्टम सिस्टम इज अनस्टेबल, ओके द सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज बिकॉज ओके वन ऑफ द कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एस इज नेगेटिव, ओके सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन, तो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा ये सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा बोल रहा है एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, तो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस टू द पावर फाइव प्लस नाइन एस टू द पावर फोर प्लस फोर एस एस क्यू प्लस थ्री एस एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, स्टेबल सिस्टम या अनस्टेबल सिस्टम, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज, अगर मैं पॉइंट टू के हिसाब से जाऊं तो द सिस्टम इज, द सिस्टम मैं बोलूंगा द सिस्टम मे बी स्टेबल, मे बी और मे नॉट बी, और मे नॉट बी बी स्टेबल, ओके स्टेबल सिस्टम, ओके इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ, क्या है डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ पोल, लोकेशन ऑफ पोल, तो पोल के लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पोल whether इट, whether this characteristic equation द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम, क्लियर। चलिए देन एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री सपोज करो मैं एग्जाम्पल थ्री ले रहा हूं, एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री सपोज करो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस प्लस फोर, एस प्लस फोर इंटू एस प्लस फोर स्क्वायर, एस प्लस फोर सॉरी एस प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस फोर, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, यहाँ पे एक मिसिंग टर्म आएगा, द सिस्टम, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, क्लियर बाबा दिस इज द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, ओके। चलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा एक बॉल मेरा ओरिजिन सॉरी मेरा क्या कहाँ पे आएगा, मेरा यहाँ पे आएगा इमेजिनरी एक्सिस में, अगर इमेजिनरी एक्सिस में आएगा तो क्या होगा, दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। सपोज करो और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस प्लस फोर होल इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर। तो इस तरह का अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है तो ये सिस्टम क्या होगा, इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम, इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि रिपीटेड पोल यहाँ पे रिपीटेड पोल आएगा, सो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, ओके अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज, बिकॉज ऑफ रिपीटेड पोल्स, रिपीटेड पोल्स, क्लियर होगा, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स, ओके। चलिए तो यहाँ पे मेरा स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम खत्म होता है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे राउत हारुच क्राइटेरिया और आरएच क्राइटेरिया। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग आरएच क्राइटेरिया अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज राउत हारुच क्राइटेरिया, दैट इज माई आरएच क्राइटेरिया, ओके। तो यहाँ पे गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है आरएच क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आरएच क्राइटेरिया को हम यूज करके कैसे हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए
द आरएच क्राइटेरिया इज डिटरमाइंड और इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आरएच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बाय द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मेरा आरएच क्राइटेरिया हम लोग ले रहे हैं तो पहला कंडीशन क्या है, तो आरएच क्राइटेरिया में हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे बाय द नॉलेज ऑफ माय कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्लियर हुआ बात, तो यहां पर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही चाहिए। ओके नेक्स्ट पॉइंट, तो आरएच क्राइटेरिया इज इट इज गिव्स और द आरएच क्राइटेरिया इट गिव्स द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द एस प्लेन whether it is in left half of the S plane or it is in the right half of the S plane or it is in the imaginary axis, but do not gives the exact location of the poles. Okay, तो इसका मतलब क्या है, तो RH criteria में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग RH criteria हम perform करेंगे तो यहाँ पर मेरे को pole का location पता चल जाएगा, whether it is present in the right half of the S plane or लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेन और मेरा इमेजिनरी एक्सिस, बट वी कैन नॉट कमेंट्स द एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे प्लेस होगा। हमको पता चल जाए कि हाँ इतना पोल मेरा लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट होगा, इतना पोल मेरा राइट हाफ में प्रेजेंट होगा और ये पोल मेरा इमेजिनरी एक्सिस में प्रेजेंट होगा, बट लेफ्ट हाफ में एग्जैक्ट कहां पे प्रेजेंट होगा वो मेरे को आरएच क्राइटेरिया गिवन और आरएच क्राइटेरिया नहीं देगा। ठीक है, आरएच क्राइटेरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन कर सकते हैं कि पोल का लोकेशन कहां पे होगा, लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेन में होगा या राइट हाफ ऑफ द एक्सप्लेन में होगा और मेरा इमेजिनरी एक्सिस में होगा। क्लियर, सो दिस इज द आरएच क्राइटेरिया। नंबर टू पॉइंट क्या बोल रहा है, द आरएच क्राइटेरिया इज यूज टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पर देखिए, तो जो के जो है मेरा एक क्लोज लूप सिस्टम में के का वैल्यू क्या है, इट इज अ गेन, तो गेन का है के का रेंज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द आरएच क्राइटेरिया। तो आरएच क्राइटेरिया को यूज करके मैं के का वैल्यू निकाल सकता हूं, सो दैट एक रेंज निकाल सकता हूं फॉर द स्टेबिलिटी। क्लियर, चलिए ये दो तीनों पॉइंट अभी मैं जो डिस्कशन किया हूं इसको एक बार मैं व्हाइट बोर्ड में लिख देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहला पॉइंट दिस इज द थ्री पॉइंट्स इन राउत-हारूज क्राइटेरिया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, आरएच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम बाय द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सेकंड वन, द आरएच क्राइटेरिया इज गिव द नंबर ऑफ पोल्स इन द एस प्लेन दैट इज लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन और राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन और ओरिजिन, बट नॉट गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल। थर्ड पॉइंट, आरएच क्राइटेरिया इज ऑल्सो यूज्ड to determine the range of k for stability or marginally stable for frequency of oscillation. Okay, चलिए तो एक example लेते हैं। Suppose करो मेरे पास एक characteristic equation है। Okay, तो characteristic equation, let the characteristic equation is, characteristics equation is a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस ये आ जाएगा हमारा ए एन के पास। तो एन ऑर्डर एक आपका सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम राउत-हारूज क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग राउत-हारूज क्राइटेरिया में पहले हम राउत
मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, राउथ टेबल बनाएंगे, सॉरी राउथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो राउथ आरएच टेबल बनाएंगे, तो आरएच टेबल पे क्या होगा, पहला चीज लेट, तो ये हो गया हमारा आरएच टेबल। तो यहाँ पे आएगा एस टू द पावर एन, एस टू द पावर एन माइनस वन, एस टू द पावर एन माइनस टू, एस टू द पावर एन माइनस थ्री, ओके, ये आ जाएगा एस टू द पावर जीरो तक। चलिए तो पहले हम देखेंगे, तो पहला रो हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहला रो क्या है, पहला रो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो भी ए जीरो से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट ए जीरो, ओके, ए जीरो, फिर एक छोड़ के ए टू, फिर एक छोड़ के दूसरा आएगा, तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो पहला रो का जो एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट इज ए जीरो, ए टू, फिर आएगा ए थ्री छोड़ के ए फोर, फिर ओके ऐसा आएगा, क्लियर। नेक्स्ट रो आएगा, क्या आएगा, जो और बाकी जो बच गया, क्या बचा यहाँ पे, ए वन, ए वन, फिर ए थ्री, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज ए वन, ओके, देन ए थ्री, देन ए फाइव। तो यहाँ पे देखिए, तो राउथ हरुच का हम लोग दो रो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, उसके बाद हम थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो पे क्या होगा, दैट इज माई बी वन, बी टू, बी थ्री, ऐसा चलेगा, ओके, देन आएगा यहाँ पे सी वन, सी टू, सी थ्री, ओके, ये पूरा आएगा एस जीरो तक, ओके, जितना ऑर्डर का सिस्टम होगा ऐसा चलेगा ये पूरा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो हाउ टू डिटरमाइन बी वन, बी टू, बी थ्री, C1, C2, C3, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो पहला क्या, जो दो रो है तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, नंबर वन पॉइंट, द फर्स्ट टू रो ऑफ आरएच क्राइटेरिया, ऑफ आरएच टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ओके बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, कंसीडरिंग द ऑल्टरनेटिंग एलिमेंट इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। तो देखिए, तो पहला जो दो रो है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्शन किए हैं, बाय कंसीडरिंग द अल्टरनेटिंग एलिमेंट, ओके। नाउ द थर्ड रो क्या है, व्हाट इज माय थर्ड रो, दैट इज बी वन। देखिए, तो यहाँ पे बी वन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी वन इज इक्वल टू, ये देखिए बी वन क्या होगा, व्हाट इज माय बी वन वैल्यू, तो बी वन इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा ए वन ए टू इंटू ए जीरो, सॉरी माइनस ए जीरो ए थ्री डिवाइडेड बाय माई ए वन। So what is my B1 value? B1 is equal to, मैं बोलूंगा A1 A2 minus A0 A3 divided by A1. Clear हुआ बात? This is my B1 value. Okay. Now, what is my B2 value? तो B2 value कैसे निकालेंगे? How to calculate B2 value? तो B2 value क्या होगा? B2 ध्यान से देखिए, B2 इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा A1 A4 माइनस A0 A5, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो B2 क्या है, A1 A4 माइनस A0
ए फाइव डिवाइडेड बाय ए वन डिवाइडेड बाय ए वन, सो दिस इज माय बी वन बी टू वैल्यू। सिमिलरली अगर बी थ्री निकालेंगे तो क्या होगा, ए जीरो उसके बाद जो ए फोर के बाद जो एलिमेंट आएगा, फिर ए जीरो फिर ए फाइव के बाद जो एलिमेंट आएगा, उस तरह हम बी वन बी टू बी थ्री निकाल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सी वन। तो सी वन कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सी वन। तो थर्ड रो मेरा अभी हो गया कंस्ट्रक्शन, अभी फोर्थ रो पे आएंगे। तो फोर्थ रो को हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे सी वन, तो सी वन को हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सी वन के लिए हम लोग देखेंगे बी वन ए थ्री। ओके सो सी वन इज इक्वल टू बी वन ए थ्री या देन ए वन बी टू, ए वन बी टू डिवाइडेड बाय बी वन। ओके सो व्हाट इज माय सी वन वैल्यू, सी वन वैल्यू इज इक्वल टू बी वन ए थ्री, बी वन ए थ्री माइनस ए वन बी टू डिवाइडेड बाय माय बी वन। क्लियर हुआ, तो दिस इज माय सी वन वैल्यू। ओके नेक्स्ट व्हाट इज माय सी टू वैल्यू, तो सी टू वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी टू वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम बी वन ए फाइव एंड ए वन बी थ्री डिवाइडेड बाई माई बी वन। सो व्हाट इज माई सी वन वैल्यू, सी वन इज इक्वल टू बी वन ए फाइव माइनस ए वन बी थ्री डिवाइडेड बाय माई बी वन, सो दिस इज माई सी वन वैल्यू। सिमिलरली अगर सी टू सी देन डी रो भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, देन ई रो भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे इसी तरह उसी रूल को अप्लाई करके आप थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो जो भी रो होगा आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बार मेरा आर एच टेबल आ जाएगा, एक बार आर एच टेबल हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद तब हम क्या डिटरमाइन करेंगे और हम स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम बोलेंगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट रो, ओके नंबर टू, आफ्टर कंस्ट्रक्ट द राउथ आरे, ओके ऑब्जर्व द फर्स्ट रो, ओके ऑब्जर्व द फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम। ओके तो एक बार मेरा राउथ आरे यहाँ पे और राउथ टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा राउथ आरे का पहला और फर्स्ट कलम होगा उसी को मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ए जीरो ए वन बी वन सी वन, ये जो पूरा कलम है ये मेरा फर्स्ट कलम है। ओके तो उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा मेरे को, नंबर थ्री, नंबर थ्री मिलेगा इफ if there are no sign change in the first column, in the first of route array, okay, to kya hoga, so the system is a stable system, the system is stable system, the system is, the system is stable system, okay, the system is stable system, okay, and all the poles will lie in the left half of the S plane, and all poles are in left half of S plane, okay, तो इसका मतलब क्या है, तो एक बार मेरा सारा का सारा राउथ आरे कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, पहला कॉलम को हम ऑब्जर्व करेंगे, पहला कॉलम पे अगर मेरा कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा, जो भी एस टू दावर एन एस टू दावर एन जो भी कोफिशियंट होगा एस का, और उसी कोफिशियंट पे कोई भी देर इज नो साइन चेंजेस, ओके
कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा तो देन द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, तो हम बोलेंगे द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम एंड द पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नंबर फोर। नंबर फोर बोल रहा है इफ देर आर साइन चेंजेस, ओके देर आर साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम, इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट आर ए, राउट आर ए, तो राउट आर ए में फर्स्ट कॉलम में अगर कोई साइन चेंजेस हो जाएगा देन सिस्टम इज अनस्टेबल, देन सिस्टम इज अनस्टेबल, देन मैं बोलूंगा देन द सिस्टम सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, ओके अनस्टेबल सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टम यहाँ पे अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे कितना पोल मेरा राइट हाफ में रहेगा तो उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ द, सो द नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ ऑफ, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ओके तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास यहां पे एक राउट आ रहे है तो यहाँ पे जो भी मेरा पहला रो आएगा तो मेरा पहला रो पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार साइन चेंजेस हो रहा है, तो अगर एक ही बार साइन चेंजेस हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि एक पोल मेरा राइट हाफ में रहेगा, जितना भी सारा पोल होगा तो उसमें से एक पोल मेरा राइट हाफ में रह रहा है। अगर दो बार साइन चेंजेस हो रहा है तो दो पोल मेरा राइट हाफ में रहेगा, तो इस तरह मैं कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द राउट हारुज क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या होगा राउट हारुज क्राइटेरिया का, तो पहले हम राउट आर ए को कंस्ट्रक्शन करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में हम लोग एक बार राउट आर ए कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद मेरा काम है क्या, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ पहला रो। ओके तो पहला रो अगर हम उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर मेरा कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा तो मैं बोलूंगा सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, अगर यहाँ पे कोई भी साइन चेंजेस हो रहा है तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है। तो आगे चल के राउट हारुज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा पहला टाइप है, तो पहला टाइप में क्या बोल रहा है कि अगर साइन चेंजेस नहीं होगा तो स्टेबल सिस्टम, अगर साइन चेंजेस हो रहा है तो अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, तो मॉड्यूल फोर का ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एक्स टू द पावर फोर प्लस एट एस एस क्यू प्लस एटीन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एस प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अभी हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग आर एच क्राइटेरिया हम लोग कंस्ट्रक्ट द आर एच, ओके सो आर एच आर ए, तो राउट आर ए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के हम लोग क्या करेंगे, राउट आर ए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो राउट आर ए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे आएगा हमारा राउट आर ए, चलिए तो यहाँ पे होगा ये एस टू द पावर फोर देन एस क्यू देन एस स्क्वायर देन एस टू द पावर वन देन एस टू द पावर जीरो। ओके तो पहला रो कैसे आएगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो इज माई वन वन देन एटीन, ओके एटीन के बाद आएगा फाइव दैट इज ए ए वन ए जीरो ए वन ए टू ऐसा कुछ आएगा, सॉरी ए जीरो ए टू ए फोर। ओके नेक्स्ट सेकेंड रो, सेकेंड रो क्या आएगा एट देन एटीन सॉरी एट देन सिक्सटीन एट देन सिक्सटीन, उसके बाद ये जाएगा मेरा जीरो। क्लियर, ये आएगा मेरा जीरो। देन थर्ड रो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, बी वन, तो बी वन क्या था, व्हाट इज माय बी वन वैल्यू, तो बी वन को हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी वन इज इक्वल टू क्या था,
8 into 18 माइनस 1 into 16 डिवाइडेड बाय 8, 64 माइनस 16 बाय 8। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा हमारा 16, दैट इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16। क्लियर? नेक्स्ट B2, तो B2 कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? B2, व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट B2? B2 इज इक्वल टू क्या होगा? 8 into 5 माइनस 1 into 0, क्लियर, डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 40 by 8। ओके, 40 by 8, यह आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा 5, दिस इज 5। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे एक्स टू दी पावर 1 में, तो C1 क्या होगा? 16 into 16 डिवाइडेड बाय 8 into 5, ये हो जाएगा 16 into 16 माइनस 8 into 5, ओके, डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना वैल्यू आएगा? इसको अगर 13.5, ये आ रहा है मेरा 13.5, सो यहाँ पे 13.5। ओके, नेक्स्ट 16 into 0 into 18 into 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट आएगा 0। ओके, नेक्स्ट आएगा 0, क्लियर। ओके, देन यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा 5 आएगा, क्लियर। चलिए, तो एक बार मेरा राउत आरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल आई विल शो द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सारा का सारा यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है? तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग देखेंगे कि देयर इज एनी साइन चेंजेस और नॉट, देयर इज एनी साइन चेंजेस और नॉट। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा, सो इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउत आरे, इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउत आरे, There is no sign changes. So the system is stable system. The system is stable system. तो इसका मतलब क्या है? ये जो system है मेरा, ये जो system का characteristic equation आपको given है, तो ये system आपका एक stable system है, because there is no sign changes in the first row of the राउत आरे। ओके, तो राउत आरे में जो पहला रो है उसमें कोई भी साइन चेंजेस नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा नेगेटिव, कोई भी टर्म में यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ जाएगा, सपोज यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 13.5 अगर आएगा, तो बोलोगे सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, तो मैं बोल सकता हूँ द सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, बिकॉज देर इज ए साइन चेंजेस इन द फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो में साइन चेंजेस हो रहा है तो अनस्टेबल सिस्टम, मैं बोलूंगा एक ही पोल, क्योंकि एक बार मेरा साइन चेंजेस हो रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, तो एक ही बार मेरा साइन चेंजेस हो रहा है ना, तो एक बार अगर साइन चेंजेस होगा तो मैं बोलूंगा वन पोल लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। क्लियर? सो दिस इज द राउत हर्विट्ज क्राइटेरिया टाइप 1। तो ये जो यहाँ पे जो भी हम अभी जो हम रूल डिस्कशन किए हैं, ये मेरा टाइप 1 पे आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास पे हम RH क्राइटेरिया में टाइप 2 में जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।